सो यार कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेन 10 क्लासिक सीजन 1 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। इसके पहले की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको पिछले एपिसोड में ही मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियो को देख लेना ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी पूरी कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सो यार अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा एपिसोड 2 की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग शहर में आग लगी बिल्डिंग को देख पाते हैं, जहां पर बेन हीट ब्लास्ट बनकर जाता है और यहां फंसे सारे लोगों को ढेर सारी मशक्कत करने के बाद बाहर निकालता है। बेन हीट ब्लास्ट के रूप में सड़क पर खड़ा होता है कि तभी इसे एक लड़के के हाथ में सूमो गोल्ड स्मैशर कार्ड दिखाई पड़ता है, जिसे देख कर हीट ब्लास्ट के रूप में बेन इसके पास जाता है और इससे पूछता है, तुम्हें गोल्ड सूमो स्मैशर कार्ड कहाँ से मिला? जिस पर ये लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे तो ये कार्ड स्नैक सीरियल के बॉक्स में मिला था। अगर तुम भी ढेर सारे स्नैक सीरियल के बॉक्स को खरीदोगे तो तुम्हें भी गोल्ड सूमो स्लैमर कार्ड मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से क्वेन और ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिसके बाद क्वेन चिल्लाते हुए कहती है, बुद्धू तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए इस बिल्डिंग में आग लगाई गई थी। असली चोरी तो ज्वेलरी शॉप में हो रही है और चोर वहाँ से सारी चीजों को लेकर फरार हो रहे हैं, हमें उनका पीछा करना होगा। इस बात को सुनने के बाद ये तीनों चोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार हमारा बेन हीट ब्लास्ट के रूप में चोरों को पकड़ लेता है और फिर चोरों को इंट्रोगेट करते हुए कहता है, ये मेरा शहर है, अगर तुम शहर में कुछ भी गलत करोगे तो मैं अपनी शक्तियों के बल पर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और फिर तुम लोगों को थूड़ना कुचना शुरू करूंगा। यहाँ पर बेन ये सारा कुछ कह रहा होता है कि तभी इसके ओमनीट्रिक की बैटरी एकदम से खत्म हो जाती है और ये वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। केवल 10 साल के बच्चे को इतनी लंबी लंबी फेंकते हुए देखकर ये चोर इसका कीमा बनाने की सोचते हैं कि ऐन मौके पर पीछे से पुलिस आ जाती है और फिर इन सारे चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर चली जाती है। आगे हमारी नजर डॉक्टर एनवा पर पड़ती है, जिसके पास उसका मकान मालिक आकर कहता है, तुमने 6 महीने से मेरा किराया नहीं दिया था, तुम जल्दी से अगर किराया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर एनिमो गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे रेंट के लिए जितने पैसे मेरे पास होते हैं वो सारे मेरे एक्सपेरिमेंट में खर्चे हो जाते हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद इसका मकान मालिक गुस्साते हुए इससे जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश करता है, जिस पर डॉक्टर एनिमो अपने पास में पड़े हुए एक मेंढक को निकालता है और फिर कुछ इस तरह के डिवाइस को अपने सिर पर पहनते हुए कहता है, देखो ये है मेरा ट्रांसमोड्यूलेटर, ये ऐसी चीज है जो चीजों को जेनेटिक लेवल पर बड़ा करती है और फिर उन्हें म्यूटेट करती है। इतना कहने के बाद डॉक्टर एनिमो अपने पास पड़े हुए इस गैजेट से मेंढक पर एक तीखी रोशनी छोड़ता है, जिस वजह से ये मेंढक बहुत बड़ा हो जाता है और फिर सामने पड़ रहे मकान मालिक को खा जाता है। डॉक्टर एनिमो अपने मकान मालिक के साथ ऐसा कुछ खेलकट कर रहा होता है कि तभी टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि शहर में एक नया मॉल खोला गया है, जहां पर एक ही छत के नीचे सारे इलेक्ट्रॉनिक या फिर खाने पीने की सारी सामग्री मिल सकती है। इस एड को देखने के बाद डॉक्टर एनिमो कहता है, मुझे जो चीज चाहिए होगा शायद मुझे उस मॉल में मिल जाएगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर एनिमो अपने जायंट मेंढक पर बैठकर यहां से मॉल की तरफ रवाना हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग बेन, क्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो उसी मॉल में आए हुए होते हैं जिसका जिक्र कुछ देर पहले न्यूज में हुआ था। यहाँ पर सारे लोग अपने अपने पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं कि तभी बेन को स्नैक सीरियल का बॉक्स दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह अपने शक्तियों से अपने आप को छोटा करते हुए सारे स्नैक सीरियल के बॉक्स के अंदर घुसकर सोमो गोल्ड स्मैशर कार्ड खोजना शुरू कर देता है। जब क्वेन को ये बातें पता चलती है तब वह दौड़ते हुए बेन के पास आती है और बेन जिस डब्बे में छोटा बनकर बैठा हुआ था उससे बाहर इसे निकालती है और इसे डांट फटकार रही होती है कि तभी यहाँ पर सर्विस गार्ड आ जाता है, जो इसे ऐन मौके पर पकड़ लेता है और ग्रैंडपा को सारे सीरियल के बॉक्स को खरीदने को कहता है। इसी क्रम में हम लोग डॉक्टर एनिमो को देख पाते जो अपने जायंट फ्रॉग के साथ इसी मॉल में आ जाता है और यहाँ पर रखी
हुई सारी चीजों की तोड़फोड़ करते हुए अपनी जरूरत की तमाम चीजों की चोरी करना शुरू कर देता है। डॉक्टर एनिमो और उसके जायंट फ्रॉग को कुरफात मचाते देख बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वह अपने ओमनी ट्रिक से इसे मजा चखाने की सोचता हुआ अपने ओमनी ट्रिक को टच करके अपने आप को एलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। चूंकि बेन कुछ देर पहले अपनी शक्तियों को यूज कर चुका था, यानी अपने ओमनी ट्रिक को यूज कर चुका था, इसीलिए इसके ओमनी ट्रिक की बैटरी डाउन थी और वह अपने आप को एलियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। जरूरत के वक्त ओमनी ट्रिक न यूज करने की वजह से बेन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह अकेले ही डॉक्टर एनिमो का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। अपने सामने छोटे बच्चे को देखकर डॉक्टर एनिमो इसे छोड़ता हुआ यहाँ से घर जाने को कहता है, जिस पर बेन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और इसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। बेन को लड़ते हुए देखकर डॉक्टर एनिमो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह पेट डिपार्टमेंट में जाकर एक हैमस्टर और एक पैरोट को अपने ट्रांसमोड्यूलेटर से बड़ा कर देता है। साइज में बड़ा होने के बाद जायंट हैमस्टर पूरे मॉल में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जायंट हैमस्टर के द्वारा ऐसा कुछ करते देख बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पास पड़ी हुई स्केटिंग साइकिल से इस पर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार बेन जायंट हैमस्टर को दो रेक के बीच में अटका कर इसे बेहोश कर देता है। इसी क्रम में हम लोग डॉक्टर एनिमो को देख पाते हैं जो जायंट पैरोट पर बैठकर अपने जरूरत के सामान को लेता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है। जब डॉक्टर एनिमो के यहाँ से फरार होने वाली बात इन तीनों को पता चलती है, तब ये तीनों अपने वैन पर सवार होते हुए जायंट पैरोट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में क्वेन डॉक्टर एनिमो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है ताकि ये तीनों मिलकर डॉक्टर एनिमो को जल्द से जल्द हरा सके। थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद क्वेन को पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो एक वेटनरी साइंटिस्ट था और पास्ट में जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। डॉक्टर एनिमो के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे और उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से सारे जानवरों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जब जानवरों को तकलीफ देने वाली बात दूसरे साइंटिस्ट समेत गवर्नमेंट को पता चली, तब गवर्नमेंट ने इसके सारे एक्सपेरिमेंट पर बैन लगाते हुए इसे एक साइको साइंटिस्ट करार दे दिया, जिस वजह से डॉक्टर एनिमो दूसरे साइंटिस्ट समेत गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा है। डॉक्टर एनिमो का साइकोपन इतना बढ़ चुका है कि वह खुद को गवर्नमेंट के सबसे बड़े साइंटिस्ट अवार्ड यानी वरीटो अवार्ड से खुद को जबरदस्ती सम्मानित करना चाहता है। काफी देर तक जायंट पैरोट पर बैठे डॉक्टर एनिमो का पीछा करने के बाद ये तीनों आखिरकार म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है आज शहर के सबसे अच्छे वैज्ञानिक को वरीटो नाम के अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। और डॉक्टर एनिमो की मंशा ये है कि वह वरीटो अवार्ड फंक्शन में जाए और वहां पर तोड़फोड़ मचाते हुए वरीटो अवार्ड को अपने नाम पर करे। और अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए डॉक्टर एनिमो म्यूजियम में रखी हुई सारी चीजों पर अपने ट्रांसमोड्यूलेटर की तीखी रोशनी छोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर रखे हुए मैमथ और डायनासोर में जान आ जाती है और ये दोनों मिलकर बेन की टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर बेन अपने ओमनी ट्रिक के जरिए खुद को फोर आर्म्स नाम के एलियन में कन्वर्ट करता हुआ मैमथ से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग फोर आर्म्स की, तो ये ओमनी ट्रिक का ऐसा रूप होता है जिसको यूज करने के बाद बेन के पास बाहुबली की तरह अथाह शक्ति आ जाती है। आगे हमारी नजर डॉक्टर एनिमो पर पड़ती है जो मैमथ से बेन को लड़ता हुआ देखकर एक डायनासोर पर सवार होते हुए अवार्ड फंक्शन की तरफ निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं जो ढेर सारी मशक्कत करने के बाद आखिरकार मैमथ को हरा देता है। डॉक्टर एनिमो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होता है कि तभी पीछे से जायंट पैरोट आता है और क्वेन को अपने साथ उठाते हुए न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग के पास ले जाकर वहीं पर छोड़ देता है। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद बेन को आखिरकार उसकी कजन दिखाई पड़ती है, जिसके बाद बेन खुद को एक उड़ने वाले एलियन यानी स्टिंग फ्लाई में खुद को कन्वर्ट करता हुआ इस जायंट पैरोट के पास जाता है और इसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चले इधर उधर भागा दौड़ी के बाद आखिरकार बेन अपनी कजन को बचा लेता है। इसी क्रम में हम लोग डॉक्टर एनिमो को देख पाते हैं जो एक डायनासोर पर बैठता हुआ अवार्ड फंक्शन वाली जगह पर पहुंचता है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। आगे डॉक्टर एनिमो की नजर यहाँ पर बढ़ रहे वरीटो अवार्ड पर पड़ती है, जिसके बाद वह इस अवार्ड को उठाता हुआ यहाँ से बस जाने वाला होता है कि तभी बेन स्टिंग फ्लाई बनता हुआ यहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर एनिमो से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है।
अपने सामने स्टिंग फ्लाई को देखकर डॉक्टर एनिमो इस पर हमला करते हुए इसे भी म्यूटेट करने की कोशिश करता है, पर बेन अपनी फुर्ती को यूज करते हुए उल्टा डॉक्टर एनिमो के पास जाता है और इसके सिर से इसका हैमलेट निकालते हुए इसके हैमलेट को फोड़ देता है। हैमलेट के टूटते ही म्यूटेट हुए सारे जानवर वापस से अपने अपने रूप में आ जाते हैं, यानी वापस से छोटे हो जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर एनिमो एकदम से रोने लगता है और पास पड़ी हुई पुलिस की टीम इसके पास आकर इसे पकड़ते हुए जेल में ले जाकर बंद कर देती है। लगभग सब कुछ पहले जैसा हो जाने के बाद बेन डॉक्टर एनिमो के टूटी हुई हेलमेट को अपने पास रखते हुए अपनी बहन क्वीन के साथ कहीं दूर अगले एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है, जिसके दौरान इसकी बहन क्वीन इसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं कल इसके अगले एपिसोड को लाऊंगा। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट।